दोस्तों आप सबका मेरी न्यू वीडियो में स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को डीएक्टिवेट कैसे करें। दोस्तों इंस्टाग्राम के आए दिन नए नए अपडेट आते रहते हैं जिसमें हम लोग को पता नहीं चल पाता कि इंस्टाग्राम अकाउंट को डीएक्टिवेट कैसे करें। पहले हमको इंस्टाग्राम अकाउंट को डीएक्टिवेट करने के लिए हमको क्रोम में जाना पड़ता था, वहाँ से डीएक्टिवेट करना पड़ता था। लेकिन दोस्तों आए दिनों अपडेट आ चुके हैं जिससे कि हम इंस्टाग्राम अकाउंट को अपने मोबाइल एप्लीकेशन से ही डीएक्टिवेट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको इंस्टाग्राम अकाउंट को परमानेंटली डिलीट करना है तो उसके लिए मैंने वीडियो में आई बटन में दे दिया हूँ उसका वीडियो का लिंक, वहाँ जाकर आप वीडियो देख सकते हैं कि इंस्टाग्राम अकाउंट को परमानेंटली डिलीट कैसे करें। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को डीएक्टिवेट कैसे करें। तो गाइस अगर आपको डीएक्टिवेट किस कारण से करना है उसका रीजन आप कमेंट में जरूर करना कि भाई आपको किस रीजन से मतलब करना है डीएक्टिवेट। दोस्तों आप फ्री होना चाहते हो, इंस्टाग्राम नहीं चलाना चाहते हो, मतलब आप थक गए हो नहीं चलाना इंस्टाग्राम, तो भाई किस रीजन से करना चाहते हो तो आप कमेंट जरूर करना। चलो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन जानेंगे उससे पहले लेकिन भाई वीडियो में वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल वाली बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आगे भी आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं, चलिए चलते हैं उसके लिए मेरे मोबाइल स्क्रीन पर। यहाँ पे मैंने साइड में स्क्रीन लगा दिया है, आप देख लीजिए। तो सिंपली कुछ नहीं करना, आपको अपना इंस्टाग्राम एप्लीकेशन ओपन कर लेना है, साइड में स्क्रीन लगा दिया हूँ मैंने, आप देख लीजिए। तो कुछ नहीं करना आपको, सिंपली यहाँ पे कुछ नहीं करना है, जिस प्रकार मैं आपको दिखा रहा हूँ आपको देखना है। तो यहाँ पे साइड में स्क्रीन लग चुकी है, तो इसमें मैं आपको बता रहा हूँ कुछ नहीं करना है दोस्तों, आपको यहाँ पे लोगो में क्लिक करना है, ठीक है। साइड में यहाँ लोगो दिख रहा है, आपका लोगो दिख रहा है, और यहाँ पे आईडी वही सिलेक्ट रखना है जिसको आपको परमानेंटली डीएक्टिवेट करना है। यहाँ पे आईडी वही सिलेक्ट रखिएगा जिसको डीएक्टिवेट करना है, कोई भी आईडी मत कीजिएगा। मेरे पास ही मैंने अकाउंट बना लिया हूँ आपके लिए, मतलब बताने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे ऊपर थ्री लाइन दिख रही है, इस थ्री लाइन में क्लिक करना है। यहाँ पे थ्री लाइन में क्लिक करने के बाद सेटिंग का ऑप्शन खुलता है, सेटिंग में क्लिक कर लेना है। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पे हेल्प वाला सेक्शन देखने को मिलेगा, इस हेल्प में क्लिक करना है। जैसे हेल्प में क्लिक करोगे आपको हेल्प सेंटर देखने को मिल जाएगा, इस हेल्प सेंटर में क्लिक करना है तो आपको कुछ नया सा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो इस नए इंटरफेस में आपको साइड में थ्री लाइन दिख रही है, साइड में देखिए इस थ्री लाइन में क्लिक करना है। जैसे आप इन थ्री लाइन में क्लिक करोगे आपको नया पेज ओपन होकर मिलेगा, तो यहाँ पे मैनेज योर अकाउंट में क्लिक करना है, मैनेज योर अकाउंट में क्लिक कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए पांचवें नंबर में डिलीट योर अकाउंट, पांचवें नंबर में डिलीट योर अकाउंट में क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे तीन ऑप्शन देखने को मिलता है, टेम्पररीली डीएक्टिवेट योर इंस्टाग्राम अकाउंट, डिलीट योर इंस्टाग्राम अकाउंट, एक्सेस योर डाटा ऑन इंस्टाग्राम। तो हमको फर्स्ट वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। और दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे लोग कन्फ्यूज होते हैं कि किस जगह क्लिक करना है जिससे हमारा अकाउंट डीएक्टिवेट होगा या डिलीट होगा, तो मैं आपको बता देता हूँ कहाँ करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट में देखिए, फर्स्ट नंबर लॉग इन इन्फो instagram.com, इसमें क्लिक करना है, ठीक है। instagram.com में क्लिक करना है, यहाँ पे दिख रहा है आपको। सिंपली इसमें क्लिक करोगे तो आपको इंस्टाग्राम नया पेज में लेके चल जाएगा जिसमें आपको यहाँ पे दिख जाएगा, देखिए मतलब ये एक नए प्रकार से कुछ ओपन होता है। तो यहाँ पे भी आपको इधर लोगो में क्लिक करना है, सिंपली लोगो में क्लिक करिए तो यहाँ पे कुछ नया इंटरफेस आएगा, आप देखिएगा यहाँ पे कुछ नया इंटरफेस आ चुका है। यहाँ पे आपको एडिट प्रोफाइल में क्लिक करना है, ठीक है। एडिट प्रोफाइल में क्लिक करना है, सिंपली एडिट प्रोफाइल में क्लिक करोगे तो आपको नया सा पेज देखने को मिलेगा, देखिए ये नया सा पेज आ गया है। यहाँ नीचे स्क्रॉल करिए, यहाँ पे टेम्पररी डीएक्टिवेट माई अकाउंट, इसमें आपको क्लिक करना है, ठीक है। इसमें क्लिक करना है, यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिल चुका है, ठीक है। इसमें जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे आपको रीजन पूछेगा, सिलेक्ट रीजन पूछ लीजिए, प्राइवेसी कौन जो भी कुछ है आपका। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ क्रिएटेड आ सेकेंड अकाउंट, यहाँ पे अपना सेकेंड अकाउंट डाल देना है। देन यहाँ पे अपना पासवर्ड फिलअप करना है, और एक और पासवर्ड फिलअप करना है। पासवर्ड फिलअप करने के बाद आपको टेम्पररी डीएक्टिवेट माई इंस्टाग्राम अकाउंट में क्लिक करना है, और सिंपली आपका अकाउंट परमानेंट तो नहीं मतलब डीएक्टिवेट हो जाएगा। और उसके बाद आपको जब भी लॉगिन करना है तो ये लॉगिन कर लोगे, आपको अकाउंट वापस मिल जाएगा। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और वाले बेल आइकन को प्रेस जरूर करना। हाँ, अगर आपको इंस्टाग्राम अकाउंट को परमानेंट डिलीट करना है तो उसका लिंक मैंने वीडियो के आई बटन में दे दिया हूँ, आप जाके देख लीजिए, वहाँ से अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को परमानेंट डिलीट कर सकते हैं। और भी किस टॉपिक में वीडियो चाहिए आप मुझे बता दीजिए, मैं उस टॉपिक पर वीडियो बना दूंगा। तो जब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।